गुड डे टू ऑल आज हम करेंगे प्रेपोजिशंस के चार वर्ड्स जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अगर हमें प्रेपोजिशंस को फिल करना है बिलो और अंडर से हम कंफ्यूज रहते हैं कि बिलो लिखें कि अंडर लिखें बिलो का मतलब भी नीचे है अंडर का मतलब भी नीचे है बट एक डिफरेंस आप रखिए अपने माइंड में बिलो जब ऊपर कोई रूफ नहीं है कोई शेड नहीं है ओपन स्पेस तो हम बिलो यूज़ कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल शी स्टैंडिंग बिलो हर अपार्टमेंट वो उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ी है इज स्टैंडिंग बिलो हर अपार्टमेंट ऊपर कोई रूफ नहीं है कोई शेड नहीं है सिर्फ वो नीचे वेट कर रही है खड़ी है अब मैं एक बोलू अंडर अंडर जब भी कोई ऊपर सरफेस है उसके नीचे जब कोई चीज है तो मैं अंडर बोलूंगी जैसे देर इज अ रूम अंडर द बेसमेंट बेसमेंट एक शेड है बेसमेंट के नीचे रूम है देर इज अ बॉल अंडर द टेबल टेबल एक सरफेस है टेबल के नीचे बॉल है तो बिलो एंड अंडर बिलो आप याद रखिए कोई अपर सरफेस नहीं है अंडर में अपर सरफेस है ना लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड बिसाइड एंड बिसाइड ये भी दो प्रेपोजिशन हैं जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं बिसाइड इट मीन्स नेक्स्ट टू बिल्कुल साथ में बिसाइड द ट्री बिसाइड माई हाउस हैज फॉलन डाउन वो पेड़ जो मेरे घर के साथ था वो गिर गया बिल्कुल नेक्स्ट माई मदर इज स्टैंडिंग बिसाइड मी बिसाइड आ जाएगा अब नेक्स्ट है बिसाइड्स जिसमें एस आता हो बिसाइड्स मतलब इन एडिशन मुझे पास्ता पसंद है चौमिन पसंद है बर्गर पसंद है तो ये सब चीजें एडिशन एक्स्ट्रा आई एट पिज्जा इड्स पास्ता एंड कटलेट्स मैंने पिज्जा भी खाया पास्ता और कटलेट्स भी खाए तो अडिशन ये चीजें भी तो हम बिसाइड्स लगते हैं बिसाइड्स वॉचिंग मूवी आई लाइक सिंगिंग डांसिंग स्कीपिंग तो बिसाइड्स इन अडिशन टू आई होप आपको ये चारों वर्ड्स अब क्लियर हो गए होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग